नमस्कार दर्शकों, समय हो गया है इस वक्त की अहम खबर का। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त कौन सी बड़ी खबर आ रही है। नकली नोटों को रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी और जिसका बहुत असर पड़ा था और कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद अब नकली नोट नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके अनुसार नकली नोट आज भी लोगों के हाथों में घूम रहे हैं। देश में वाय नेपाल के जरिए आ रहे हैं नकली नोट। पाकिस्तान अब नेपाल से भारत में नकली नोट भेज रहा है। अभी बड़ी मात्रा में नकली नोट पकड़े गए हैं। नकली नोट के साथ एक नेपाली नागरिक आलम अंसारी को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 महीने की तफ्तीश के बाद मुश्किल से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया है और इसके अनुसार 2000 के नकली नोट इसके पास थे, जिसे बरामद कर लिया गया है। 5 साल से नकली नोट की खेप ये भारत ला रहा है। इसके अनुसार लगातार 5 साल से नकली नोट का कारोबार भारत में जारी है, नोटबंदी के बावजूद भी। और वो ये भी दावा कर रहा है कि ये जो नकली नोट ला रहे हैं इनकी क्वालिटी बेहद अच्छी है और जानना बिल्कुल मुश्किल है कि नकली है कि असली है। तो नोटबंदी के बावजूद भी नकली नोट का कारोबार नहीं रुका है। कभी भारत आता है नेपाल से तो कभी पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान से सीधे नहीं आता है तो नेपाल के जरिए। और अब ये बड़ा खुलासा इस व्यक्ति के हिरासत में लेने के बाद हुआ है।